हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 13th अक्टूबर। 13th अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के एनालिसिस की। आगे बढ़ने उससे पहले बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी मीडियम्स में ये वाला देखो, ये तो एक हमारी वेबसाइट है, इसके अलावा टेलीग्राम, मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एक और अनाउंसमेंट ये था कि जो भी लोग गिव अवे कॉन्टेस्ट जीते हैं, जो भी लोग गिव अवे कॉन्टेस्ट जीते हैं, उनको बिफोर दिवाली उनके जो गिव अवे में जो भी वो बुक्स जीते हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का पहला आर्टिकल है फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट। ओके, तो देखो आर्टिकल ये है कि तमिलनाडु ने पहला ऐसा इंडिया का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया है जो कि रिलेटेड है स्लेंडर लॉरस से। तो इंडिया का पहला स्लेंडर लॉरस सेंचुरी ये है, ठीक है? ये देख रहे हो, ये एनिमल, इसी का नाम है स्लेंडर लॉरस। ओके, तो ज़रा स्लेंडर लॉरस के बारे में पहले देखते हैं, फिर देखेंगे सेंचुरी के बारे में। तो स्लेंडर लॉरस जो है ये बेसिकली जीनस से आता है, लॉरस जीनस से, जो कि इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। मेजरली इंडिया में ये देखने को मिलता है आपको स्लेंडर लॉरस। और ये जो स्लेंडर लॉरस है, एक तरह का जैसे आप देखते हो ना छोटे से बियर्स जैसा वैसा दिखता है, ठीक है? और ये जो है अपनी पूरी लाइफ ट्रीज पे गुजारते हैं, एक से दूसरी ब्रांच के ऊपर ट्रीज की ये ट्रैवल करते करते अपनी सारी जो लाइफ है वो बिताते हैं, स्लो एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स करके। ये जनरली इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट शूट्स एंड फ्रूट्स को फीड करते हैं, के ऊपर फीड करते हैं। और ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, स्क्रब फॉरेस्ट में, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में और स्वैम्प में। ओके, इंडिया में जो ये मिलते हैं, ये बेसिकली देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं स्लॉथ जो सॉरी स्लेंडर लॉरस है। और इनकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन के प्रोटेक्शन स्टेटस जो मिला है आईयूसीएन में, उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे ये तो तीन बात करी आईयूसीएन की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की और साइट्स की। अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पे। तो इंडिया में पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि स्लेंडर लॉरस के लिए डेडिकेटेड है, ये बनी है तमिलनाडु में। और ये बनी है कहाँ पे? कड़ूवर स्लेंडर लॉरस सेंचुरी, ठीक है? तो कड़ूवर जो है यहाँ पे बनी है करूर और डंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के पास में। ओके, तो कड़ूवर स्लेंडर लॉरस सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखना है। स्लेंडर लॉरस देखो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, यानी कि रात में एक्टिव होते हैं और एरबोरियल भी हैं। एरबोरियल का मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये ट्रैवल करते हैं, मतलब ज़मीन पे कम ही आते हैं, ट्री की ब्रांचेस पे रहते हैं, ठीक है? ये स्पीशीज एक तरह का बायोलॉजिकल प्रीडेटर है। जितने भी पेस्ट होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में, जितने भी पेस्ट लग जाते हैं या फिर इस तरह के जो भी क्रॉप्स में जो भी पेस्ट लग जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, तो पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है, स्लेंडर लॉरस यहाँ पे पेस्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे फार्मर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं आईयूसीएन के, ये बता चुकी हूँ, और इकोलॉजिकली भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी इशू ये है कि इनके जो पॉपुलेशन है कम होती जा रही थी और थ्रेट इनका सबसे बड़ा था हैबिटेट का, ठीक है? हैबिटेट इनका डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो हैबिटेट को ठीक करने के लिए, हैबिटेट के इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ये अलग से एक सेंचुरी बनाई गई है तमिलनाडु में। और यहाँ पे ये रियलाइज किया गया कि यहाँ पे इनको इमिजिएटली कंजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाए बहुत जल्दी। ओके, तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स उठाए गए इस वाइल्ड लाइफ को, इस स्पीशी को बचाने के लिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ की नोटिफाई कर दिया है, यहाँ पे तमिलनाडु की, इस कड़ूपुर जो स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी है इसको। इसके अलावा इंडिया की पहली यहाँ पे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी, इंडिया का जो पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी तमिलनाडु के पास पागबे में बना है, ठीक है? इसके अलावा एक कजू वैली बर्ड सेंचुरी है, एक है नंजरायण टैंक बर्ड सेंचुरी। ओके, इसके अलावा स्टेट का, इस स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट का 5th एलिफेंट रिजर्व अगस्त मलाई में बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे 13 वेटलैंड साइट्स भी आती हैं, ठीक है? यहीं पे 13 वेटलैंड साइट्स भी आती है, तो इसीलिए तमिलनाडु इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आप प्रिलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपसे पूछा जाए कड़ूपुर स्लेंडर लॉरस सेंचुरी कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है नंजरायण
बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, ये सब जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड टू जीएस पेपर टू एंड दिस रिलेट्स टू गवर्नेंस पोर्शन। ओके, दिस आर्टिकल रिलेट्स टू गवर्नेंस। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक हमारा एक्ट है जिसका नाम है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बेसिकली ये ईयर 2000 का एक्ट है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 66A। इस सेक्शन 66A के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज से 7 साल पहले एक जजमेंट दिया था, जिस जजमेंट का नाम था श्रेया सिंगल केस। ओके, श्रेया सिंगल केस इस जजमेंट का नाम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 साल तक यहाँ पे इसको स्ट्राइक डाउन करने के बाद भी आज भी पुलिस जो है वो इस बेसिस पे अरेस्ट करती है कि भाई तुमने आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो है वायलेट किया है। अल्टीमेटली आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये 66A यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन पुलिस यहाँ तो अवेयर नहीं है, यहाँ तो फिर भी आज भी इसको मिसयूज कर रही है। तो पहले देखो सेक्शन 66A है क्या। सेक्शन 66A जो है ये बोलता है कि कोई भी पर्सन ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करके, फ़ोन को, टैबलेट को यूज़ करके किसी को भी अगर ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे पनिशमेंट मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है अलॉन्ग विथ फाइन। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑफेंसिव वर्ड है, ये ऑफेंसिव वर्ड कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। हर किसी के लिए ऑफेंसिव का मतलब अलग हो सकता है, इसीलिए ये काफ़ी वेग सी डेफिनेशन है, वेग सा प्रोविजन है। तो इसमें क्या हो रहा था कि पुलिस को लगता है अगर कि भाई ये जो मैसेज भेजा ये ऑफेंसिव है तो इसको अरेस्ट किया जा सकता है इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिसमैन जो है अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑफेंसिव वर्ड का मीनिंग निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने एक ऐसा मैसेज भेजा है किसी को जो जिसके कारण सामने वाला अनॉयड हुआ है, इनकन्वीनियंस इसको हुई है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे वेगली लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है इस सेक्शन 66A के जरिए, इसके बेसिस पे। लेकिन इस 66A के अगेंस्ट, सेक्शन 66A के अगेंस्ट यहाँ पे एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट ने में, और ये डाली थी एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंगल ने। इन्होंने बोला कि सेक्शन 66A जो है काफी वेग है, कहीं पे भी इसके क्लियर मेंशन नहीं है, क्लियर डेफिनेशन मेंशन नहीं कि ऑफेंसिव वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो काफी वाइड है। ओके, और यहाँ पे ये जो हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हैम्पर करता है, और जो हमारा राइट टू लिबर्टी है उसको यहाँ पे हैम्पर करता है। आर्टिकल 19 जो है, 19A जो कहता है हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको ये हिंडर करता है। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो सोशल मीडिया का जो पोस्ट वगैरह पे अगर आप कुछ ऑफेंसिव लिखते हो, ये चीज़ ठीक है कि यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन इस ऑफेंसिव का कोई दायरा होना चाहिए। इस ऑफेंसिव वर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने अपने किसी दोस्त की ऐसी पिक्चर डाल दी, ठीक है, जो जिसमें वो बहुत ही खराब दिख रहा है, अगली सा दिख रहा है उसके बर्थडे पे। लोग करते हैं ना, एक दूसरे की पिक्चर्स, अगली पिक्चर्स डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है। तो क्या आपको 3 साल की सजा हो जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ऑफेंसिव का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मान लो गवर्नमेंट के किसी प्रोविजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट को लगता है ये ऑफेंसिव है, तो आपको अंदर किया जा सकता है। तो ऑफेंसिव का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसका क्लियर मीनिंग थोड़ा डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया इस केस में, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि इसके अंतर्गत अरेस्ट हो रहे हैं, ड्रेकोनियन सेक्शन में, और इसके अंतर्गत आज भी अरेस्ट हो रहे हैं। यूयू ललित जो हमारे सीजेआई हैं वो कहते हैं कि सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, सभी डीजीपीज को, सभी स्टेट्स के सभी होम सेक्रेटरीज को, यहाँ पे सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन भेजना चाहिए कि वो लोग अपने अपने एरिया में सेक्शन 66A को यूज़ करना बंद कर दें। यहाँ पे एक एक कारण ये भी है कि देखो जो लॉ है, जो पुलिस है, ये जो है पुलिस जो सब्जेक्ट है ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अवेयर करना पड़ेगा अपने अपने एरिया की पुलिस को कि भाई सेक्शन 66A जो है ये हट चुका है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी ये ब्रह्मास्त्र बैच आई है जिसमें हम यहाँ पे 3 कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। डेली आंसर राइटिंग का कोर्स है, एथिक्स का कोर्स है, और एसए का कोर्स है। बेसिकली हम देखते हैं जनरली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है यूपीएससी मेंस क्लियर करने में, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट चीज भी है एक तरह से अगर आप देखोगे, लेकिन आपके हार्डवर्क के कारण तो आप कर सकते हो यूपीएससी क्लियर, लेकिन जल्दी क्लियर कर दोगे अगर स्मार्ट वर्क करोगे। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है,
कुल मिला के यूपीएससी मेन 1750 मार्क्स का है। इन 1750 मार्क्स में से आप अपने 1250 मार्क्स के ऊपर एज पा सकते हो, ये तीन चीजों के ऊपर अपना कमांड लेकर, जैसे आंसर राइटिंग के ऊपर, दूसरा एथिक्स के ऊपर और तीसरा एसे के ऊपर। कैन यू इमेजिन कि आपके 1250 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीटली आपके हाथ में हो सकते हैं सिर्फ 3 महीने देने पर। 3 मंथ्स में आपके 1250 मार्क्स आपके हाथ में हो सकते हैं। वैसे आप क्या करते हो, हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 महीने देते हो, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 4 4 महीने की क्लास लगाते हो, लेकिन यहाँ पे आप, और ये देखो ये इकोनॉमी जो है ये आपको 100 नंबर का भी नहीं आता मेंस में, ठीक है? तो 100 नंबर के लिए आप 4 महीने दे रहे हो, इसकी जगह अगर आप 1250 मार्क्स के लिए 3 महीने दो तो सोचो क्या बात ही पलट जाए। इसीलिए इसको हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, बिकॉज वी आर एमिंग हियर टू मेक यू मेन्स रेडी। ओके, तो यू कैन गेट एन एज ओवर 1250 मार्क्स इन यूपीएससी मेन्स एंड इन द कमिंग 100 डेज। ओके, सो इफ यू हैव नॉट गेट एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स, एनरोल नाउ बिकॉज द एनरोलमेंट विल बी क्लोजिंग ऑन 15th October। फॉर एनरोलमेंट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.isshortshot.com, एंड इफ यू नीड एनी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज यू कैन रेफर टू द कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट सेक्शन में आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। आप चाहो तो इंक्वायरी फॉर्म भरो, आई विल कॉल यू बैक एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दीज कोर्सेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है अबाउट स्लॉथ बियर। तो देखो ये भी हमारा जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेटेड है। ये टॉपिक जो है इसमें ये देख रहे हो ये स्लॉथ बियर है। अलग तरीके के बियर्स, अलग तरीके के भालू होते हैं और इंडिया में काफी मिले जाते हैं स्लॉथ बियर। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पहली बार वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया जा रहा है, जिसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी जू को, सभी इंडिया के जू में ये एक अर्ज किया है, एक रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे हमें जो स्लॉथ बियर का ये एक वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है, ये वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके साथ हमको कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए भी इनके कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे हम मना रहे हैं आज, ठीक है? और यहाँ पे सॉरी कल मनाया था हमने, यानी कि 12 अक्टूबर को ये मनाया गया था। ओके, और यहाँ पे इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा है हर कोई। यहाँ पे इंडिया इसमें स्पेसिफिकली कोशिश कर रहा है। आईयूसीएन की कैटेगरी में देखोगे तो ये वल्नरेबल में आते हैं, और साथ में 90% पूरे दुनिया में जो स्लॉथ बियर की पॉपुलेशन है वो आपको इंडिया में मिलती है। ओके, ये प्रपोजल जो है वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाने का, ये इनिशिएट किया था हमने, यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्लॉथ बियर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है? इन्होंने ये इनिशिएट किया था। अगर स्लॉथ बियर की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे टाइगर्स को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वैसा ही सेम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इंडिया की गवर्नमेंट की साइड से स्लॉथ बियर को भी मिला हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्लॉथ बियर इनको डांसिंग बियर भी कहा जाता है, ठीक है? और इनको बहुत लोग जो है मेलो वगैरह में यूज करते हैं, इनको जबरदस्ती नचवाते हैं, एक तरह से इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन इनका होता है। तो इनके ये जो डांसिंग वाला, जो डांसिंग बियर वाली इमेज है, उसके कारण भी इनको कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनको बहुत रेस्क्यू करना पड़ता है। एक यहाँ पे कम्युनिटी है जिसका नाम है नोमैडिक कलंदर कम्युनिटी, ठीक है? इनको यहाँ पे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि यही कलंदर कम्युनिटी जो है यही इस स्लॉथ बियर को ट्रेन करती है और नचवाती है ऐसे ऐसे मेलों में, ठीक है? तो 400 सालों से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि ये बियर्स उसमें, उस पर्टिकुलर मेलों में नाचेंगे, तो इसके पीछे कलंदर कम्युनिटी है, ठीक है? तो इनको भी कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करें। और जो बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द स्लॉथ बियर एंड मैन, उसको कम कर सकें हम, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। ओके, तो स्लॉथ बियर के बारे में कुछ चीजें देख लो। स्लॉथ बियर पाया जाता है बेसिकली श्रीलंका, इंडिया, भूटान और नेपाल में। इसमें सबसे ज्यादा स्लॉथ बियर इंडिया में पाया जाता है। ये टर्माइट्स खाते हैं, एंट्स खाते हैं, ओके? और बाकी जैसे बियर स्पीशीज जो है उनके जैसे नहीं है ये अपने कप्स को अपनी बैग के ऊपर लेकर चलते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा इनको हनी बियर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको हनी खाना बहुत पसंद है, ठीक है? तो हनी बियर कहा जाता है। ये हिबरनेट नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बीच में गुम हो गए या फिर बीच में हिबरनेट करने चले गए कुछ पर्टिकुलर मौसम के लिए, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका, IUCN के हिसाब से वल्नरेबल हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। थ्रेट्स ये हैं कि एक तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, दूसरा इनकी पोचिंग की जा रही है, और तीसरा ये कि इनका अग्रेसिव बिहेवियर है, इसीलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, ठीक है? तो इन सभी चीजों से बचाना है, इसीलिए वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया गया 12 अक्टूबर को। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आज का एक इशू है इंडियन एक्सप्रेस का, रेड कॉर्नर नोटिस।
इसको आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर टू से, जीएस पेपर टू के इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है दिस इज अबाउट इंटरपोल, ओके, इंटरपोल के बारे में है। और इंटरपोल एक नोटिस जारी करता है जिसका नाम है रेड कॉर्नर नोटिस, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो हुआ क्या है, देखो हुआ ये है कि इंटरपोल के पास इंडियन गवर्नमेंट गई, इंडिया ने बोला कि भाई हमको जो है एक आदमी के अगेंस्ट यहाँ पे एक वॉन्टेड नोटिस जारी करना है, और ये जो आदमी है बेसिकली ये खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया से जो पंजाब वाला हिस्सा है वो अलग होकर वो उसको खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खालिस्तान आउटफिट है एक सिख फॉर जस्टिस, ठीक है। इसके जो लीडर हैं इनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ओके, ये कनाडा बेस्ड फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, सिख फॉर जस्टिस, और एक तरह से लीगल एडवाइजर भी हैं। इनके अगेंस्ट ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की इंडिया की रिक्वेस्ट थी, जिसको इंटरपोल ने दूसरी बार स्ट्राइक डाउन कर दिया है। बेसिकली ये रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री के द्वारा गई थी इंटरपोल के पास, और ये जो रिक्वेस्ट थी इसको डाला गया था अंडर द एक्ट ऑफ यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन एक्ट। अब देखो पूरा मामला क्या है, आसान सी भाषा में समझो, इंटरपोल क्या है। इंटरपोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 195 मेंबर्स हैं, और इसको आप एक तरह से समझ सकते हो कि एक इंटरनेशनल पुलिस जैसी है, इंटरनेशनल पुलिस जैसा इसका काम है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली काम करती है कि जितनी भी दुनिया की पुलिस फोर्सेज हैं सभी कंट्रीज की, उनको हेल्प करती है, उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है, और मेंबर कंट्रीज को ये बताती है कि भैया देखो अगर आपको अपना क्रिमिनल्स का डाटा शेयर करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऑपरेशनल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस को ये इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या है, देखो भाई रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये है कि जैसे मान लो इंडिया से, जैसे विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या इंडिया से कुछ इंडिया में ऑफेंस करके भाग गए, ठीक है, अब हमें इंडिया में नहीं मिल रहे, हमको शक है कि ये कहीं और किसी और कंट्री में, हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, इंटरपोल को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको विजय माल्या ढूंढ के दो। और इसके लिए इंटरपोल एक नोटिस निकालती है जो कि एक वांटेड नोटिस जैसा होता है, और ये वांटेड नोटिस का नाम होता है रेड कॉर्नर नोटिस, ओके। तो ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या करती है, पुलिस फोर्सेस को, दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस को ये एक तरह से अलर्ट कर देती है कि भाई देखो ये इंसान यहाँ से भागा है, ये फ्यूगेटिव है, और इसको इंटरनेशनली वांटेड का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो ये रेड नोटिस एक रिक्वेस्ट होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पूरी दुनिया के, कि अगर ये आदमी आपको मिलता है तो इसको हमको सरेंडर करना है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, ओके। तो ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से पर्सन के अगेंस्ट ये नोटिस आया है, ओके, इसमें किस क्राइम के लिए उनको ये नोटिस भेजा जा रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कंट्री, मान लो जैसे इंडिया, इंडिया ने इस पर्सन के अगेंस्ट ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन ये पर्सन इंडिया का बेस्ड पर्सन नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो कोई भी कंट्री किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकती है, ओके। और इसमें उस पर्सन, वो पर्सन कुछ काम करके, कुछ कांड करके, कुछ क्राइम करके भागा हो, या उसके अगेंस्ट कोई क्राइम आपने दर्ज किया हो अपनी कंट्री में, तो आप ये नोटिस जारी करने का कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या ये एक वारंट ऑफ अरेस्ट है, क्या ये अरेस्ट वारंट है, तो ये एक अरेस्ट वारंट नहीं है, सिर्फ एक वांटेड नोटिस है, ठीक है। इंटरपोल जो है उसको कोई पर्सन नहीं चाहिए, उस वो इंटरपोल किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं करना चाहती, इंटरपोल को बस ये चाहिए कि जो भी पुलिस फोर्स को, यहाँ पे कोई भी पुलिस फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढ रही है तो उसको वो पर्सन ला के दे दिया जाए। तो वॉन्टेड पर्सन, यहाँ पे वॉन्टेड पर्सन नोटिस है। यहाँ पे जैसे मान लो इंटरपोल ने ये पर्सन ढूंढ के दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को, तो अब ये इंडियन गवर्नमेंट को ये कंपेल नहीं कर सकती कि अब आप इसको अरेस्ट करो, ठीक है, आपका काम था ढूंढ के देना, आपने दे दिया, ओके। तो ये पूरा इसका मतलब है। लेकिन देखो याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो पर्सन है जिनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नून, इनको आप इनके अगेंस्ट इंटरपोल का एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए। इंटरपोल ने मना कर दिया, क्यों, क्योंकि इंटरपोल ने ये कहा कि भाई एक तो आपके पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा जो लॉ के अंतर्गत आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को इन्होंने वायलेट किया है, इस लॉ का जो नाम है ना बड़ा बदनाम है आपकी कंट्री में, क्योंकि ये जो लॉ है कई बार मिसयूज हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये इंटरपोल जो है इनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करेगा। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं डार्ट मिशन की। ये डार्ट मिशन क्या है भाई, तो नासा ने कंफर्म किया डार्ट मिशन सक्सेसफुल हुआ है। एग्जैक्टली क्या है, देखो भाई ऐसा है कि ये है अर्थ,
और अर्थ के आसपास कई बार ये खतरे मंडराते हैं कि ये एस्टेरॉयड बहुत तेजी से आ रहा है, ये पत्थर का एक चट्टान का टुकड़ा है जो बहुत तेजी से आ रहा है और अर्थ के ऊपर अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया तो अर्थ में भूचाल सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, डिजास्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि पूरा अर्थ खत्म हो जाए। इस तरह की कई बार आप घटनाएं सुनते होंगे न्यूज चैनल्स पे, इस तरह की सनसनीखेज चीजें आती रहती है ना कि ये एस्टेरॉयड हमारे इतने पास से निकलने वाला है, ये चीज ऐसे स्ट्राइक कर सकती है अर्थ को, ये सारी बातें आप सुनते रहते होंगे। तो बेसिकली नासा ने सोचा कि हम क्यों चमके भाई कि एस्ट्रॉइड आ रहा है तो आने दो, हम क्या करें कि इस ये बर्थडे को ये चट्टान आ रही है तो हम क्या करें हमारी स्पेसक्राफ्ट को इससे टकरा दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये वाला रास्ता फॉलो करने वाली होगी तो ये वाला रास्ता फॉलो कर लेगी। बेसिकली डार्ट क्या है, डार्ट एक ऐसा मिशन है जिसमें इंडिया सॉरी जिसमें वर्ल्ड ने अर्थ ने नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है और ये स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा जाके टकरा जाएगा उस पर्टिकुलर एस्टेरॉइड से और इसका रास्ता बदल देगा सो देट ये अर्थ से आके कोलाइड ना करें, बेसिकली ये एम है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ नहीं आ रही थी, ये सिर्फ टेस्टिंग हुई है। डार्ट मिशन जो है उसका एम मैंने आपको समझाया। अब देखो ये डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। पहली बार ऐसा कोई टेस्ट हुआ है जिसमें हमने एक ऐसा एस्टेरॉयड था ठीक है जिसका इंडिया जो अर्थ के पास बिल्कुल आ नहीं रहा था, जिसका नाम था डायमॉर्फोस। ओके ये जो एस्टेरॉयड था ये अपने एरिया में जा रहा था, अपना सन के पास घूम रहा था ओके, और बहुत ही दूर था अर्थ से, लेकिन हमने सोचा इसके ऊपर टेस्ट करके देखते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहली बार हमने ये टेस्ट किया और ये काम बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। रिसर्चर्स ने समझा कि यहाँ पे जो डार्ट की काइनेटिक इम्पैक्ट है, जिसके थ्रू डार्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, स्पेसक्राफ्ट खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन एस्टेरॉयड थोड़ी सी खसक जाती है अपने पाथ से ओके, और इसका पाथ चेंज हो जाता है। इस तरह से इंडिया जो अर्थ है वो बच सकता है। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट चेंज करना हमारा एम था ओके। तो यहाँ पे एक छोटे से ऑर्बिट वाला एस्टेरॉयड हमने लिया था सो देट ये कितना खसक रहा है ये हम मेजर कर सकें ओके, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ है और ये एक वॉटरशेड मोमेंट माना जा रहा है प्लेनेटरी डिफेंस के सेक्टर में ओके। अच्छा आप देखो इसके बारे में कुछ और चीजें देख लो। मेन एम क्या है इस मिशन का कि यहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट जाके क्रैश करेगा एस्टेरॉयड में और एस्टेरॉयड का जो पाथ है वो चेंज कर दे। डार्ट बेसिकली एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसको यहाँ पे बेसिकली एस्टेरॉयड को खिसकाने के लिए भेजा गया था ठीक है। इसमें कुछ जेनॉन भी रहता है, 10 kg ऑफ जेनॉन जिसको भेजा गया है थ्रू नासा एवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल इन स्पेस ओके। और यहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर लगा हुआ था जिसका नाम था डिडीमोस ओके, और इसका पूरा नाम है ड्रैको। ये बेसिकली इमेजेस कलेक्ट कर रहा था कि कैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और इसके साथ एक छोटी सी सैटेलाइट है जिसका नाम था क्यूब सैट या फिर लिसिया क्यूब ओके। ये बेसिकली कैप्चर करेगी इमेजेस को जो भी इम्पैक्ट कोलिजन का होगा उसको ओके। आगे बात करते हैं, आज का एक एडिटोरियल है द कोट एंड द प्रॉब्लम विद इट्स कोलिजियम दिस कैन बी रिलेटेड। अच्छा ये जो प्रीवियस आर्टिकल था ना ये डार्ट वाला, इसको आप जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो एडिटोरियल है कॉलेजियम वाला है इसको आप जीएस पेपर 2 के पॉलिटी वाले पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली कॉलेजियम को लेकर पूरा मुद्दा है, देखो हुआ क्या है कॉलेजियम को लेकर अभी भी बहुत न्यूज में चल रहा है। बेसिकली कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम इज अ ग्रुप ऑफ जजेस ठीक है, जिसमें क्या होता है एक तो होते हैं सीजीआई ठीक है, और एक होते हैं और चार होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस ओके। सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पांच लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, हाई कोर्ट में कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, ये सब चीजें डिसाइड करती है ये कॉलेजियम ओके। यानी कि ये कॉलेजियम कि कौन सा जज अगला आएगा ये डिसाइड करते हैं खुद जजेस ओके। तो ये है कॉलेजियम। अभी देखो कॉलेजियम की यहाँ पे खुल खुलकर बुराई की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है। आपको इसमें से पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं कि कौन कौन से क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स हैं और उनको आप यूज कर सकते हो इसके क्रिटिसिज्म में, लेकिन कॉलेजियम का आपको दोनों साइड्स पता होने चाहिए कि क्या इसके पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स तो आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे, पॉजिटिव्स ढूंढना आपका काम है ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की, एडिटोरियल की, और इसमें बताया गया है कि कॉलेजियम अभी फिर से न्यूज में था गलत रीजन से। बेसिकली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस का अपॉइंटमेंट होना था इसको लेकर एक मीटिंग होनी थी जिसमें ये पांचों जजेस आए और इसके ऊपर बातचीत करें, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही। हर कोई यहाँ पे अड़ंगे डाल रहा है, हर कोई अपने उसमें है कि नहीं हम नहीं आ सकते मीटिंग में, हम नहीं आ सकते। तो सीजीआई जो है हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि देखो इनका टेन्योर बहुत छोटा है और हर कोई अपने इतने बड़े पद पे जब आता है तो वो चाहता है कि मेरे टेन्योर का कोई मतलब निकले। तो इन्होंने कई सारी फाइव जजेस बेंचेस भी बिठाई हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं ठीक है सॉल्व करने के लिए, जजमेंट देने के लिए इनके टेन्योर में, और ये चाहते थे कि
इन्हीं के टेन्योर में जितना भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है वो हो जाए। इन्होंने बोला कि चलो भाई, इन्होंने कुछ नाम सजेस्ट करे, सभी जजेस ने कुछ कुछ नाम सजेस्ट करे, जिसमें से पांच तो थे जो सुप्रीम हाई कोर्ट के हाई जजेस रहे जो हैं, या तो चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के, उनके नाम थे, और एक नाम था किसी एक लॉयर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये बन नहीं पा रही बात, ठीक है, बात नहीं बन पा रही, लेकिन कोई भी क्लियरली नहीं बोल रहा था कि मुद्दा क्या है, दिक्कत क्या है, हर कोई इसको टाल रहा था। तो यहाँ पे सीजेआई ने बोला, ठीक है भाई, अगर नहीं मिल सकते हो तो एक काम करो, हम यहाँ पे आपको सर्कुलर भेज रहे हैं, आप उस पर साइन करके भेज दो, और सर्कुलर को हम लॉ मिनिस्ट्री के पास भेज देंगे, ये लॉ मिनिस्ट्री इसको देख के प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी नहीं मान रहे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, कॉलेजियम है। तो बेसिकली मुद्दा क्या है यहाँ पे, ऑथर कहते हैं कि भाई एक ही बिल्डिंग में आप सब काम करते हो, आप लग सारा काम अपना निपटाने के बाद एक मीटिंग लेने के लिए तो साथ में बैठ ही सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? चलो मान लिया आपको बहुत काम है, तो आप ऑनलाइन एक मीटिंग तो ले ही सकते हो और अल्टीमेटली इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो। चलो मान लो ये भी नहीं हो रहा, तो सर्कुलर पे साइन करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं जम रहा, ये पांच नाम जो रखे गए हैं, पांच छह नाम जो रखे गए नहीं जम रहे, तो आप सीधे बोलो, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारे क्वेश्चन उठाने के लिए कॉलेजियम में कोई है ही नहीं। ठीक है, कॉलेजियम बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आई है। तो देखो इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं कैसे इलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कैसे इलेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या सीजेआई जो हैं उनके साथ कंसल्ट कर कर यहाँ पे नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, ये लिखा है बस आर्टिकल 124 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीन जजेस केस आए हैं, थ्री जजेस केस आए। ठीक है, पहला जज केस आया जिसमें ये बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे कंसल्ट करेंगे सीजेआई से और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, सीजेआई की राय ली जाएगी। अब ये राय जरूरी नहीं है कि फॉलो करो या नहीं करो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि पहले ऐसा था कि जरूरी नहीं है फॉलो करो नहीं करो, बाद में बोला गया कि भाई जो कंसल्टेशन है वही यहाँ पे कॉन्करेंस होना चाहिए, यानी कि सीजीआई ने जो बोला वो आपको बात माननी पड़ेगी, कॉन्करेंस होना चाहिए। दूसरा बात ये बोली गई कि भाई यहाँ पे पहले तो ये बोला गया सीजीआई होंगे सिर्फ, उसके बाद ये बोला गया सीजीआई और दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये कॉलेजियम बनाएंगे। उसके बाद थर्ड जज केस आता है जो बोलता है सीजीआई के साथ साथ चार सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कॉलेजियम बनाएंगे, इन ये लोग जो बोलेंगे ना इनकी राय के हिसाब से ही काम होगा, आप इनकी राय के अगेंस्ट, इनके कंसल्टेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है और उनके हिसाब से डिसाइड हुआ। यहाँ पे कोशिश करी पार्लियामेंट ने एक बार कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो नेपोटिज्म भी चल रहा है। तो 2014 में पार्लियामेंट पूरी सर्वसम्मति के साथ एक लेजिस्लेशन पास करती है जिसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये बेसिकली 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें पार्लियामेंट ये बोलता है कि देखो भाई पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब मिलकर एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कमीशन बेसिकली सभी को अपॉइंट करेगी, इसमें दो एमिनेंट पर्सन भी होंगे, तीन जजेस होंगे, ये सब बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो हम ही करेंगे, अकेले हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही इसको अपॉइंट करेंगे, यानी कि कॉलेजियम इसको अपॉइंट करेगा। तो देखो इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि देखो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को चुना है किसने? पार्लियामेंट को चुना है लोगों ने, तो इनके पास पब्लिक मैंडेट है। ठीक है, इनके पास पब्लिक मैंडेट है, तो इनका कुछ ना कुछ राय तो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनने में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, लोग उनको चुनकर नहीं लाए हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम के हाथ में ये दे देना, ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल था। अगर कोर्ट ये चाहता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात चले, तो हो सकता था, ये कर सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेजोरिटी दे देता इसी NJAC में, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में, इन्हीं को यहाँ पे मेजोरिटी दे देता, लेकिन एग्जीक्यूटिव को रखता तो सही, लेकिन एग्जीक्यूटिव को रखा ही नहीं गया यहाँ पे। इसके अलावा कोई अभी यहाँ पे जो सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन अभी तक इसका कोई नहीं निकला नहीं है। और आर्टिकल 125 में तो ये भी लिखा है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के ये था पूरा मुद्दा रिगार्डिंग कॉलेजियम, कि कॉलेजियम सिस्टम में कई सारे इश्यूज हैं, जो सारे इश्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन करे। ओके, तो आज के पूरे सेशन में इतना ही था, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, ये DNA अगर पसंद आ रहा है, तो आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और कॉमेंट करना मत भूलना। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।